नमस्कार साथियों, केनन प्रयागराज वंश में कृष्ण शुक्ला। साथियों, इस समय आप देख सकते हैं कोंधिहारा से कर्छना रोड जो कि 15 किलोमीटर की दूरी थी और यहाँ पर कई ऐसे हजारों गड्ढे थे जिस पर मैंने 1.5 महीने पहले खबरें की थी। कई बार इसकी पर्सनल मुलाकात करके भी शिकायत किया था और उसके बाद समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया और अवर अभियंता से बातचीत की। और उसके बाद आप देखिए इस सड़क पर जो है मरम्मतीकरण का कार्य, और हमारे IGRS जो हमने अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर किया है, वहाँ पे जो है निस्तारण और पंचिंग के काम को शुरू होने की बात वहाँ पे अवर अभियंता के द्वारा कही गई है और जिसका आप नज़ारा देख सकते हैं। दादा, ये किस दिन से काम लगा है यहाँ पर? 30 तारीख से। 30 तारीख से, यानी आज से दो तीन दिन पहले। हाँ। तो आप देख सकते हैं कर्छना से काफ़ी दूर तक ये इसी तरह की पंचिंग कर चुके हैं बरसात से पहले, और ये माँ विंध्यवासिनी माँ के मंदिर के आगे इस समय पंचिंग पूरा कोंधियारा तक होगा, पूरा 15 किलोमीटर। जी हाँ। में गिट्टी भी गिराई गई है जगह जगह, और ये देखिए ट्रैक्टर से गिरा के गिट्टी को डामरीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है, जो कि कई ट्रैक्टर्स में जो है यहाँ पर आके गिट्टी और डामर से मिलाकर पंची का कार्य कराया जा रहा है। यद्यपि लोगों की लापरवाही के कारण भी इस सड़क की समस्या को हमेशा हमने उठाया है और निराकरण भी हुआ है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं लोगों से कि अगर समस्याएं हैं तो उसको आप लोग फ्रंट पे रखिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात कहेंगे और सुनी नहीं जाएगी। यदि इस समस्या को हो सकता था कोई नहीं उठाता तो ये समस्या बरसात बाद ही दूर हो पाती। लेकिन आप देखिए साथियों, अगर किसी समस्या पर अगर आप मेहनत से काम करते हैं और आपके इरादे नेक होते हैं तो काम होता है, और इसी का यह सबूत है। आप देखिए कि कई ट्रैक्टर्स में जो है यहाँ पर वर्कर्स लगाए गए हैं, और ये देखिए पंचिंग ही सही लेकिन इस रोड पर काम हुआ है। इसके पहले अकोढ़ा में जिस तरह की पानी की समस्या थी, हमने कई बार खबरें की और कई बार अखबारों में प्रकाशित कराया, और उसके बाद देखिए काम हुआ है। तो आप देख सकते हैं कई ट्रैक्टर्स में जो है गिट्टी और डामर बिछाने के लिए यहाँ पे लाया गया हुआ है, और 2-3 दिन में ये गड्ढा मुक्त हो जाएगी, कम से कम बरसात में ये दिक्कत समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, हमारी इस खबर को अगर अच्छी लगे और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपका मिले, और सब्सक्राइब करिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फेसबुक पेज पर भी, और हमारे चैनल्स को व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए। तो ये खबर थी कोंधियारा कर्छना रोड से, जिस पे हमने IGRS पोस्ट किया हुआ है अवर अभियंता के द्वारा जो लगाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे अवर अभियंता को जिन्होंने हमारी शिकायत पर संज्ञान लिया, और विनोद शुक्ला दैनिक जागरण जिनके के कलमों से इस सड़क की समस्या हमेशा उजागर हुई है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और कोंधियारा क्षेत्र की समस्याओं को हमेशा उन्होंने प्रमुखता से छापा है, और उसी का असर है कि आज यहाँ पर काम हुआ है। जो लोग निराश होते हैं किसी समस्या पर, उनसे मैं कहूँगा अगर आपका उद्देश्य सही है और आप लीगल फॉर्म पर अपनी बात रखते हैं, यानी सही तरीके से अपनी बात उच्चाधिकारियों तक रखते हैं, तो समस्याएं सॉल्व होती हैं। देखिए, छोटा सा प्रयास था, जितने लोग इस सड़क से गुजरते थे, कई लोगों के मुझसे मैंने सुना कि चलने में वास्तव में कतराते थे, और हाइड्रोसील तक की शिकायत लोगों ने किया था, और वही शब्दों से मैंने लेके खबर बनाई थी जिसका असर यहाँ पे आज काम हुआ है। तो खबर अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। K9 प्रयागराज वंश में कृष्ण शुक्ला। देखिए साथियों, लगातार जब इस सड़क से हम लोग चलते थे तो गड्ढे पड़ते थे, और वास्तव में मानिए अब चक्की देखकर आप देख सकते हैं कितने गड्ढे थे, और लगातार ये कर्छना से कोंधियारा तक में है। और आज मुझे खुशी हो रही कि जब मैं आज आवश्यक कार्य से कर्छना जा रहा हूँ तो मेरी पहल पर अगर ये सड़क बनने का काम हो रहा है तो एक खुशी होती है कि मैंने एक जन समस्या के मुद्दे को उठाया और वो समस्या आज दूर हुई है। देखिए बैलेट चल रहा है और यहाँ पे काम हो रहा है, आप देख सकते हैं आगे भी हमने आपको दिखाया किस तरह से पंची का कार्य है। आने वाले राहगीर जो है इस पर अब आसानी से आएंगे, तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है, और अवर अभियंता जी का धन्यवाद जिन्होंने कि हमारे मामले को जो है त्वरित निदान किया। और जो लोग कहते हैं कि IGRS और पोर्टल पे शिकायत दूर नहीं होती, तो मैंने ये शिकायत दूर करके भी दिखाई, और साथ ही यह भी दिखाया कि किस तरह से समाचार पत्रों और हमारे चैनल की खबर अवर अभियंता तक गई और इस समस्या का निराकरण हुआ। ये इस समय हम माँ विंध्यवासिनी मंदिर जो कि इस इलाके का प्रसिद्ध मंदिर है उसी के सामने खड़े हैं, और बैलेट यहाँ पे चल रही है, और इस समय हम कर्छना तहसील जा रहे थे तो हमने देखा, तो हमने कहा साथियों तक ये खबर पहुँचानी चाहिए। जय हिंद साथियों, इसीलिए आपसे कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी के साथ जय हिंद, मैं कृष्ण शुक्ला।